वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, अंगद विजेता बनकर श्री राम के पास लौटा और सारा वृतांत कह सुनाया। प्रभु ने अंगद के कार्य और प्रताप की प्रशंसा की। अब रात्रि ही बीच में थी, फिर दुष्टों के संहार के लिए प्रभु समर यज्ञ करेंगे। श्री राम अब अपने मंत्रियों से आगे की रणनीति पर विचार करने लगे। व्यूह रचना इस प्रकार निश्चित की गई कि शत्रु सेना का अधिक से अधिक संहार हो। विभीषण इस कार्य में निपुण थे, प्रभु ने उन्हें ही यह दायित्व सौंप दिया। अब प्रातःकाल से धर्म अधर्म से लड़ेगा और श्री राम सबका कल्याण करेंगे। अब आगे लंका कांड भाग 3। अंगद के जाने के बहुत देर बाद तक रावण की सभा में सन्नाटा छाया रहा, जिसने रावण को आंतरिक वेदना से भर दिया। रावण मंदोदरी के सामने पहुंचा तो थमक कर खड़ा रह गया। उसकी दशा व्यथित करने वाली थी। आंसुओं से उसका मुंह गीला था, केश अस्त व्यस्त थे। रावण समझ गया कि नरांतक की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया है और माता की ममता उसे सता रही है। मंदोदरी के नेत्रों में आंसू बह रहे थे। उसने रावण के सामने हाथ जोड़ दिए। रावण पहले ही खिन्न था और अब उसे अपनी पत्नी के प्रवचन सुनने होंगे, अतः उसने मुख मुद्रा कठोर कर ली और अहंकार का आवरण पुनः तेजमय कर लिया। मंदोदरी रोते हुए उसे समझाकर विनय करने लगी। हे स्वामी, हट की भी कोई सीमा होती है, सत्य को स्वीकार कर लीजिए। श्री राम से वैर करना आपको शोभा नहीं देता। उनके बल और प्रताप के सामने आपका बल तुच्छ है। उनके छोटे भाई ने पंचवटी पर एक रेखा खींच दी थी, आप उसे लांघने में समर्थ न थे और कहते हैं कि काल मेरे वश में है। श्री राम के दो सेवक आए और मेरे दो पुत्रों को मार डाला। अब भी समय है प्रभु, इस युद्ध को टाल दीजिए। रावण का खिन्न मन और भी दग्ध हो गया। अपमान से उसका मुंह क्लांत हो गया, परंतु वह क्या कहे। मुंह से बोलकर अपना पराक्रम सिद्ध करने का समय नहीं था। अब तो रण में ही वह इस बात को सिद्ध करेगा कि उसके बल के सामने राम का बल कुछ भी नहीं। इधर श्री राम ने अंतिम विकल्प अर्थात युद्ध की सभी तैयारियां कर ली थी। सवेरा होने पर उन्होंने लंका के चारों द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने चारों दलों के सेनापतियों को बुलाकर युद्ध संबंधी नीति नियम बताए। पीठ दिखाकर भागने वाले, दया की पुकार करने वाले और प्राणों की भीख मांगने वाले शत्रु पर कोई प्रहार नहीं करेगा। नगर में घुसकर स्त्री, वृद्ध, बालक, रोगी, विकलांग आदि को कोई भय नहीं देगा। पीछे से कोई किसी पर वार नहीं करेगा। युद्ध को धर्म युद्ध की भांति लड़ा जाएगा। सब युद्धपति भगवान श्री राम की नीति व उदारता की प्रशंसा करने लगे। नीति विहीन, धर्म विहीन राक्षसों के साथ भी धर्म युद्ध। युद्ध की भेरी बजा दी गई। वानर दल रणमोत्त होकर ऐसे चिंघाड़ उठा कि लंका वासियों के हृदय कांप उठे। बच्चे अपनी माताओं की गोद में दुबक गए, स्त्रियां कांप उठीं। श्रीराम का आदेश पाकर वानर सेना ने लंका की ओर कूच कर दिया। चारों ओर से लंका को घेर कर वानर भालू कर्कश ध्वनियों से शत्रु को चुनौती देने लगे, तो लंका में कोहराम मच गया। रावण ने रणभेरी सुन ली थी, परंतु वह अभिमान से भरा बैठा था। ऐसे ही उसके सभासद थे। रावण ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, अरे राक्षस वीरों, काल की प्रेरणा से वानर आहार बनकर हमारे द्वार पर आ गए हैं। अब तुम सब जाओ और भरपेट आहार करो। राक्षस योद्धा उन्माद से भर गए और रावण का आदेश पाकर अस्त्र शस्त्र लेकर चल पड़े। सब लंका के परकोटे पर जा चढ़े और शत्रु की सेना की ओर देखा। असंख्य आहार सामने देख राक्षसी स्वभाव की भूख जागृत हो गई। परकोटे से कूदकर वे वानर दल पर टूट पड़े। वानर तो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तो दोनों दल भिड़ गए। युद्ध आरंभ हो गया।
राक्षसों को आज बहुत वर्षों के पश्चात रणभूमि में अपना बल परखने का अवसर मिला था। जिन वानरों को वे आहार समझ रहे थे, वे आहार नहीं बल्कि मृत्यु दूत थे। रणभूमि तनिक ही देर में शवों से भर गई। श्री राम की सेना का उत्साह देखते ही बनता था। दोपहर होने तक राक्षसों का उत्साह ढीला पड़ गया और वानरों के पराक्रम ने उन्हें भागने पर विवश कर दिया। वे परकोटे पर चढ़ते तो वीर वानर उन्हें पैर पकड़कर खींच लेते और अपनी तीखे नाखूनों से फाड़ डालते। रावण ने अपनी सेना को विकल देखा तो उसने ललकार कर अपने योद्धाओं को चेतावनी दी कि जो भी युद्ध से पीठ दिखाकर भागेगा उसे रावण अपने हाथों से मृत्युदंड देगा। दोनों ओर मृत्यु जानकर राक्षस योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्धरत हो गए। पश्चिम द्वार पर बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। वहां महाबली हनुमान और मेघनाद भिड़ गए थे। मेघनाद अतुलनीय योद्धा था और द्वार टूटने नहीं दे रहा था। हनुमान उसके पराक्रम को सराह रहे थे। बहुत समय पश्चात जोड़ का शत्रु मिला था। युद्ध प्रियता ऐसी ही होती है। तभी उन्हें संदेश मिला कि मुख्य द्वार पर रावण ने वानर सेना को व्याकुल कर दिया है, तो क्रोध में भरकर उन्होंने मेघनाद पर गदा का भीषण प्रहार किया। रथ का विध्वंस हो गया और मेघनाद रथ से कूद गया तो हनुमान ने लात मारकर उसे दूर उछाल दिया। मेघनाद को मूर्छा आ गई। हनुमान मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। वहां अंगद बड़ी वीरता से लड़ रहे थे, परंतु रावण के आवाहन पर प्राण भय से लड़ रहे राक्षस भारी पड़ने लगे थे। युद्ध में जिसने प्राणों का मुंह तज दिया वह योद्धा बहुत भीषण हो जाता है। ऐसे ही राक्षस हो गए थे। अंगद ने हनुमान को आते देखा तो उनका उत्साह बढ़ गया। अब राक्षस भयभीत होने लगे। रावण के सेनापति अकंपन और अतिकाय नाम के मायावी राक्षस थे। जब युद्ध में अपनी हार होती जानी तो माया करने लगे। माया से घोर अंधकार कर दिया। रात होती जानकर युद्ध नियम का पालन करते हुए अंगद और हनुमान सेना सहित लौट पड़े। राक्षस किसी नियम धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। वे माया से फैलाए अंधेरे में वानर दल पर टूट पड़े। बड़ी कठिन परिस्थितियां हो गई थीं। चारों ओर चीख पुकार मच गई। श्री राम ने यह राक्षसी माया जान ली और धनुष उठाकर एक ही बाण से अंधकार को समाप्त कर दिया। वानर दल प्रकाश होते ही बल पा गया और बुरी तरह से राक्षसों पर टूट पड़ा। राक्षस पुनः व्याकुल होकर भागने लगे। सूर्यास्त होने पर राक्षसों ने चैन की सांस ली। युद्ध बंद हो गया और वानर सेना शिविर में लौट आई, जहां श्री राम ने उनका स्वागत किया और उनके बल पराक्रम की सराहना की। रावण ने प्रथम दिन के युद्ध के बाद तत्क्षण सभी सेनापतियों को बुलाकर युद्ध में हुई क्षति का आकलन किया तो उसे ज्ञात हुआ कि आज उसके सैकड़ों पुत्र पौत्र काल कवलित हो गए और असंख्य राक्षस योद्धा भी मारे गए। आकलन और निरीक्षण दल ने यह भी बताया कि युद्ध भूमि में वानर भालुओं के शव तो उंगली पर गिने जा सकते थे, परंतु राक्षसों की गिनती ही नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर युद्ध के पहले दिन का परिणाम रावण के लिए निराशजनक ही रहा। माल्यवान वृद्ध और अनुभवी मंत्री था। रिश्ते में वह रावण का नाना भी था। यद्यपि रावण को सीख देना ही मूर्खता थी, क्योंकि वह किसी की सीख मानता ही नहीं था, फिर भी माल्यवान उसे समझाने का प्रयास करना अपना कर्तव्य समझता था। जब राजा की बुद्धि विनाश कराने लगे तो मंत्रियों को यह अधिकार है कि वे उसे उचित परामर्श देकर सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। माल्यवान ने अपना कर्तव्य समझते हुए रावण को समझाने का प्रयास किया। हे राक्षसराज, आज के युद्ध ने संकेत दे दिए हैं कि कल क्या होने वाला है। अंतःपुर से जो करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है वह भी तुम्हारी बुद्धि के कपाट नहीं खोल रहा। एक ही दिन में राजकुल की सैकड़ों वधुएं विधवा हो गईं। श्री राम का बल अपार है, उन्होंने तो अभी रण में पैर भी नहीं रखा, तब यह स्थिति है। सोचो कि उनका काल रूपी धनुष जब तनेगा तब क्या गत होगी। मृत्यु तो अटल है, परंतु तुम्हारी तरह कोई मृत्यु को हठ ठान कर नहीं बुलाता और ना अपने कुल को उसके सामने धकेलता है। तुम रामद्रोही ही नहीं
कुलद्रोही भी हो गए हो। तुम्हारा हृदय पाषाण हो गया है जो इतने पुत्र पौत्रों के वध पर भी चिंतित नहीं हो रहा। अब तक जो हुआ उसे श्री राम द्वारा दिया गया दंड समझकर स्वीकार करो और उनसे वैर तचकर शरणागत हो जाओ, तभी यह राज्य बचेगा। मेरी सलाह को उचित मानो। रावण यदि सलाह मानने लगता तो रावण कैसा? उसका अभिमान उसे इसकी आज्ञा ही नहीं देता। माल्यवान पर उसे अत्यंत क्रोध आया और वह बोला, तेरी बुद्धि फिर गई है। जो शत्रु का गुणगान कर रहा है, जीवन भर मेरे टुकड़ों पर पला और गुण शत्रु के गाता है। यदि कुछ दिन और जीवित रहना चाहता है तो अब मेरी आंखों के सामने ना आना। कुल के लोग होते किस लिए हैं? समय पड़ने पर कुल के सम्मान के लिए प्राण भी देने पड़ते हैं। सिर्फ ऐश्वर्य भोगने के लिए ही तो राजपुत्र नहीं होते। शत्रु घेरे खड़ा है तो युद्ध भी करना होगा और प्राण भी देने होंगे। यही वीरगति है। रावण के कठोर दुर्वचन सुनकर माल्यवान जान गया कि वह अब काल के मुख पर बैठ गया है। रावण प्रलाप कर रहा था तब मेघनाद ने अपने पिता का समर्थन करते हुए प्रण लिया, कल के युद्ध में मैं ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा कि निश्चय ही एक तपस्वी को तो अवश्य ही मार गिराऊंगा। रावण अपने पुत्र के प्रण से प्रसन्न हो गया। उसे विश्वास था कि मेघनाद जो कहता है उसे कर दिखाता है। दूसरे दिवस का रण सज गया। दोनों दल आमने सामने आ गए। आज राक्षसों में कुछ अधिक उत्साह था क्योंकि सेनापति मेघनाद ने प्रण कर लिया था और उसके बल पराक्रम पर संदेह कैसा। उसने देवताओं को भी परास्त किया था। इंद्र भी उसके सामने टिक नहीं सके थे। मेघनाद ने युद्ध का बिगुल बजा दिया, कहां हैं दोनों तपस्वी राम लक्ष्मण? इन जीव जंतुओं को युद्ध में भेजकर स्वयं शिविर में बैठ मान बढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि उनमें कितना बल है। मेघनाद की यह ललकार सुनकर हनुमान को क्रोध आ गया और वे बोले, मेघनाद, कल तेरा ये पराक्रम कहां चला गया था? जब तू प्राण बचाकर मेरे सामने से भाग रहा था तब से अब लौटा है? तेरे जैसे तुच्छ के लिए प्रभु श्री राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुझे तो उनके हम जैसे तुच्छ सेवक ही संतुष्ट कर देंगे। आज तुम इस रणभूमि से जीवित नहीं लौटोगे। इतना कहकर हनुमान उसकी तरफ दौड़े। मेघनाद हनुमान के वेग को बाणों से रोकना चाहता था। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़ दिए, जिनमें से कुछ तो हनुमान को लगे और शेष ने वानर सेना का संहार किया। हनुमान के लिए तो वह बाण केवल चींटी काटने जैसा आभास देते थे। अब वे भी राक्षसों को चुन चुन कर मारने लगे। युद्ध बड़ा भीषण रूप ले रहा था। शिविर में श्रीराम, लक्ष्मण और विभीषण विचार विमर्श कर रहे थे। मेघनाद की चुनौती उन्होंने सुन ली थी। विभीषण नीति निपुण भी थे और मेघनाद के बल को भी जानते थे, अतः वो बोले, प्रभु, मेघनाद के पास अनेक दिव्यास्त्र हैं और वह माया में भी निपुण है। उसके बल का रहस्य उसकी पत्नी सती सुलोचना है, जो क्षण भर भी उसे अपने हृदय से विस्मृत नहीं करती। उसी के सतीत्व के कारण यह अवध्य हो गया है। हे रघुवीर, उसका पराक्रम बहुत कठिन है और वानर दल उसे सह नहीं पाएगा। आप जैसा उचित समझें निर्णय करें। श्री राम मंद मंद मुस्कुराए और लक्ष्मण को आदेश दिया, अनुज, मेघनाद सत्य ही कह रहा है, हमें शिविर में नहीं बैठना चाहिए। तुम जाकर उस अभिमानी रावण सुत को संतुष्ट करो और उसे दिखाओ कि हम रघुवंशी ऐसे अभिमानियों का अभिमान क्षण भर में तोड़ देते हैं। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया और प्रभु को शीश झुकाकर रणभूमि की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि मेघनाद तो साक्षात काल रूप होकर वानर दल को त्रास दे रहा है। रणभूमि में उसके बाण ही तैर रहे थे। लक्ष्मण ने उसे ललकारा, ओ धनुर्धर, तू इस धनुष से बाढ़ वर्षा करके इन सबको अपना शौर्य दिखा रहा है। जरा मुझे भी तो दिखा कि तूने धनुर्विद्या में क्या क्या सीखा है और कौन कौन से दिव्यास्त्र तेरे तुणीर में है।
मेघनाद ने लक्ष्मण की ओर देखा तो हर्ष से भर गया। तेरी ही तो प्रतीक्षा थी तपस्वी, अन्यथा मेरा प्रण कैसे पूरा होगा। विधाता भी मेरे पराक्रम पर मुग्ध हैं, तभी तो मेरे इच्छित प्रण को पूरा करने में सहयोग करते हैं। इन जीव जंतुओं से लड़ने में आनंद ही कहाँ है। मेघनाद और लक्ष्मण आमने सामने आ गए। दोनों ही कुशल धनुर्धर थे और सभी दिव्यास्त्रों की जानकारी रखते थे। इस युद्ध को देखने के लिए दोनों पक्षों के योद्धा भी एक दूसरे की शत्रुता भुलाकर अपने स्थान पर स्थिर खड़े हो गए थे। देवतागण भी इस बहुप्रतीक्षित युद्ध को देखने आकाश में आ जुटे। मेघनाद ने बाण चला दिया। वह अर्धचंद्राकार बाण सर्प की तरह लहराता हुआ लक्ष्मण की ओर बढ़ा, तो लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण फल वाला बाण चलाया। वह मेघनाद के बाण को बीच में से चीरता हुआ निकल गया। देवता हर्षित हो उठे। मेघनाद अनेक तरह के दिव्यास्त्र चलाता रहा, परंतु सौमित्र लक्ष्मण उन सब को काटते रहे। इधर हनुमान और अंगद इस युद्ध का पूरा लाभ उठाते हुए राक्षसी सेना का संहार कर रहे थे। राक्षस उनके प्रहारों से व्याकुल होकर भाग रहे थे। मेघनाद को लक्ष्मण ने ऐसा उलझाया कि वह या तो अपने प्रण को पूरा करे या अपनी सेना का बचाव करे। इस तरह तो हनुमान और अंगद अधिकांश सेना का विध्वंस कर देते। सब तो दिव्यास्त्र चलाकर देख लिए, परंतु लक्ष्मण ने उनको संतुष्ट कर दिया। दिन भर का युद्ध और परिणाम भी लाभ वाला नहीं था। मेघनाद ने रणनीति बदल दी। उसने सोचा कि वह पहले अपनी सेना का उत्साहवर्धन करेगा, फिर शत्रु सेना का दमन करके उसे व्याकुल करेगा। वह लक्ष्मण के सामने से हट गया और काल बने हनुमान पर टूट पड़ा। उसने हनुमान को विचलित कर दिया तो हनुमान ने क्रोध में भरकर एक विशाल शिलाखंड उस पर दे मारा, जिसे उसने एक बाण से ही खंड खंड कर दिया। अभी आपने सुना लंका कांड भाग 3। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।